सामने चलो सर डन नेक्स्ट नेक्स्ट सर नेक्स्ट चलो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम के तहत हमने एक वॉलीबॉल का जो मैच है जहाँ पे कंडक्ट करवाया बेस्ट ऑफ थ्री मैच था जिसमें एक टीम जीती। तो इस जो प्रोग्राम का यही मकसद होता है कि लोगों को अवेयर करना कि बेटियाँ बेटों से कम नहीं है किसी भी फील्ड में, और ये एक एग्जांपल थी कि बेटियाँ स्पोर्ट्स के फील्ड में खेल के फील्ड में भी सबसे आगे हैं। तो यही चीज़ जो है हम लोगों को बताते हैं कि और यही नारा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और उसी के तहत हमने आज यहाँ पर जो एक मैच करवाया वॉलीबॉल मैच करवाया और ये अवेयरनेस प्रोग्राम करवाया कि बच्चियों को पढ़ाना चाहिए और उनको बच्चों से कम नहीं समझना चाहिए। मेरा नाम है हनाज लियाकत। ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा करवाया गया और हम कहना चाहते हैं कि बेटियों को ना बहुत आगे भेजना चाहिए और बेटियां सबसे आगे आजकल तो आईपीएस आईएएस बहुत आगे बढ़ चुकी हैं लड़कियां। तो ये जो है ना हमारे मतलब सोसाइटी के जो बेटियों को पढ़ाते नहीं है, हमारे ख्याल से बेटियों को खिलाना भी चाहिए और पढ़ाना भी चाहिए, और इसी वजह से मैं यही कहना चाहती हूँ कि बेटियों को बाहर निकालें और उन पर बिल्कुल रोक टोक मत लगाएं। और जैसे बेटों को आप देखते हैं वैसे बेटियों को भी देखें, ये नहीं है कि बेटियां किसी से आगे नहीं है, बेटियां सबसे आगे हो सकती हैं, पर आप बेटियों को आगे जाने नहीं देते, इसीलिए बेटियां पीछे रह जाती हैं। और बेटियों को बहुत ज्यादा खिलाओ, आजकल के जमाने में सबसे आगे बेटियां हैं, तो बेटियां सबसे आगे हैं। फील्ड में देखो वॉलीबॉल जहाँ भी खेलने में जहाँ भी कोई कोचिंग सब कुछ हो रहा है बेटियों में, हर जगह पे बेटियां देख रही, पर हमारी जो सोसाइटी है ये अच्छी नहीं है, इसलिए मैं हर सभी से विनती करती हूँ कि हमारी सोसाइटी के लिए बेटियों को बेटी बचाए और बेटी पढ़ाए, हमारे बेटी को खेलने दे। जैसे हम कोई भी करते हैं खेलते हैं हमें खेलने देते हैं रोक टोक लगाते हैं, इससे अच्छा है कि हमारे हमें पढ़ाएं और हमारे घर वाले भी सपोर्ट करें, इससे अच्छा हमें कुछ भी नहीं हो सकता। और देखो हमें आज हकीफ टेक भी मिली है, हमने बहुत अच्छा खेला है, हम विनर आए, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। वो लड़कों को भी पीछे मार सकती हैं अगर लड़कियां आगे आ जाएं तो, क्योंकि लड़के लड़कियां वो बराबर होते हैं।